हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। देखो, बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स लाना यानी कि अच्छे मार्क्स लाना बाकी के सब्जेक्ट की तुलना से बहुत आसान है, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, बायोलॉजी में नहीं होता है। मैथ में इंटीग्रेशन वगैरह होता है तो बायोलॉजी में नहीं होता है। तो बायोलॉजी जो साइंस के मेन सब्जेक्ट हैं उनकी तुलना में थोड़ा आसान है, आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कैसे लाना है उसके लिए मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला है नो दी पेपर पैटर्न एंड चैप्टर वाइज वेटेज। तो सबसे पहले आप जानो कि आपका जो बायोलॉजी है उसका पेपर पैटर्न क्या है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के लिए एमसीक्यू वगैरह आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने टाइप का है, सब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले जाकर पेपर पैटर्न आप जानो, देन उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज यानी कि कौन से चैप्टर को कितना मार्क्स है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे किस चैप्टर पर ध्यान देना है। देखो, अगर आपको पूरा मार्क्स लाना है तो आपको वैसे तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप चैप्टर वाइज वेटेज देख लेना कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं लास्ट ईयर वीडियो बनाया था जब पेपर पैटर्न आया था तो मैंने उसका वीडियो बनाया था, और साथ ही जब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आया था मार्क्स का तो मैंने उसका वीडियो बना दिया था। इस साल भी अगर आता है तो मैं बना दूंगा वीडियो, आप जाकर देख लेना। लेकिन अभी फिलहाल आप इसे पिछले साल वाले को रेफर कर सकते हो, दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं टिप नंबर टू, रीड एवरीथिंग। ठीक है, देखो अगर आपको 90 प्लस लाना है ना तो बुक में जो जो दिया है ना वो पढ़ना होगा, घोल कर पी लेना होगा, स्पंज जैसा सोख लेना होगा पूरी बुक को। जो बॉक्स में दिया रहता है जैसे कि रिमेंबर करके दिया रहता है, डू यू नो करके जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है बॉक्स में, आपको वो पढ़ना होगा, उसे अच्छे से समझना होगा। साथ ही जो एक्सरसाइज है उसे भी पढ़ना होगा। देखो, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि बायोलॉजी में सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के जाओ आप 90 प्लस स्कोर करोगे। देखो, अगर आप एक्सरसाइज पढ़ के जाओगे तो 90 प्लस तो नहीं, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 60-70 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन पूरा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एक्सरसाइज के दम पे। तो आपको एक्सरसाइज भी करना है, चैप्टर के अंदर जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है बॉक्स में वो भी करना है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते ही हैं। और साथ ही जो भी डायग्राम दिया है, डायग्राम का लेबलिंग अच्छे से समझ के जाना है। ठीक है, डायग्राम को अच्छे से समझना है। सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे आप 90 प्लस नहीं ला पाओगे बायोलॉजी में, पूरा पढ़ना ही होगा। आगे देखते हैं टिप नंबर थ्री। तो टिप नंबर थ्री है डोंट स्किप एनी चैप्टर, यानी कि बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर छोड़ो मत। देखो, अभी अगर आप देखोगे ट्वेल्थ बायोलॉजी का, तो जैसे कि चैप्टर नंबर जो 8 है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, देन जो चैप्टर नंबर 9 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 4 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो बहुत सारे लोगों को ये जो तीन चैप्टर है बहुत हार्ड लगेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़े जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं और थोड़ा फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, थोड़ा हार्ड चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ने जाओगे ना, एक बार पढ़ने बैठोगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप समझते जाओगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसलिए उसे भी पढ़ो, छोड़ो मत। अगर ऐसा है कि मुझे यार ये चैप्टर हो ही नहीं रहा, मैं इसमें उसे कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे छोड़ना ही है, तो क्या करना है ना, उसका एक्सरसाइज पढ़ लेना। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा थोड़ा मोड़ा पढ़ लेना, उसका एक्सरसाइज पढ़ लेना, तभी भी चल जाएगा, लेकिन छोड़ना मत। ठीक है, पहले आप प्रायोरिटी तो यही करना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है बायोलॉजी का। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना है। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पूरा सब कुछ पढ़ना है। अगर कोई चैप्टर आपको बहुत हार्ड जाता है, ठीक है, आप समझ ही नहीं पाते हो, तो ऐसा सोच रहे हो आप कि मुझे छोड़ना है, तो छोड़ो मत, उसका सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लो अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है, देखो अगला टिप है टिप नंबर 4 कि मेक योर ओन नोट्स, यानी कि नोट्स जो है वो खुद से बनाओ, दूसरे का नोट रेफर मत करो। क्योंकि दूसरे का नोट रेफर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि बीच बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा, स्पेलिंग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी का समझने का तरीका, पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई लिख कर पढ़ लेता है तो कोई ओरली याद करता है, तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग टेक्निक होती है। इसलिए खुद से नोट्स बनाओ, इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे कि आपका लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ ही अगर उसमें से, उस बनाए हुए नोट्स में से एग्ज़ाम में कुछ आता है तो आपको इंस्टेंटली याद आ जाएगा कि मैंने इसका नोट्स बनाया था, इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो इसलिए लिख कर पढ़ो और नोट्स खुद से बनाओ। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 12th, 9th, 10th या फिर 11th में हो तो आपके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है। इसमें क्या होने वाला है, देखो ये एक टाइप का टेस्ट होगा 11th, 12th सबके लिए, 9th, 10th के लिए भी। ये कभी होगा, ये होगा 24 अक्टूबर को इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके सब्जेक्ट क्या होंगे, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स वालों के लिए होंगे उनके सब्जेक्ट, और साइंस वालों के लिए ये सारे सब्जेक्ट होंगे। इसमें अगर आप जीतते हो यानी कि आप प्राइज़ जीतते हो, रैंक वन वालों को देखो 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का फ्री मिलेगा, और जो रनर अप रहेंगे सेकेंड थर्ड, उनको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके फ़ायदे बहुत सारे हैं।
तो आप एनरोल कैसे कर सकते हो, क्या कोई एंट्री फीस देना है? नहीं, बिल्कुल फ्री है। अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हो SMS तभी आप इसमें फ्री में एनरोल कर पाओगे। तो एनरोल कर लेना अपनी क्लास के हिसाब से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप 11th में हो तो 11th वाले में एनरोल करना, 12th में हो तो 12th वाले में एनरोल करना। तो एनरोल कर सकते हो और एनरोल करते हो तो हमारा लिंक यूज़ करना है SMS। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला टिप देखते हैं। तो टिप नंबर 5 है, रीड डेली। देखो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि आज जो हम पढ़ते हैं वो हम कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, चाहे हमने कितने भी अच्छे से पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन हम वही क्वेश्चन वही मेथड कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं, उसे कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो आप डेली नहीं पढ़ते हो, एक ही दिन आपने जोश में आकर पूरा पढ़ लिया, लेकिन बीच में आप गैप ले लेते हो, सोचते हो कि यार मैंने तो अब पढ़ लिया है, अब क्यों उसे पढ़ना। तो इसलिए डेली पढ़ो, इससे आपको जो भी कंसेप्ट रहेगा आपके दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। क्योंकि देखो डेली प्रैक्टिस करके ही लोग टॉपर बनते हैं, ठीक है, एक दिन पढ़कर कोई टॉपर नहीं बनता। तो इसलिए डेली रीड करो, जिससे आपको आइडिया रहेगा आपकी कंसेप्ट का, भूलोगे नहीं कभी। आगे देखते हैं टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 है सॉल्व PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अभी भी बहुत लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के फायदे नहीं जानते हैं। टॉपर्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल के इकट्ठे करके सॉल्व करते रहते हैं, उनका जब सिलेबस खत्म हो जाता है। तो देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको एक क्वेश्चन का आइडिया होगा, क्वेश्चन पेपर का आइडिया होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एग्ज़ाम पहले ही दे दिया है, फिर आपको एग्ज़ाम में असली एग्ज़ाम में डर नहीं लगेगा, आप नर्वस नहीं होगे। और एक और फ़ायदा होता है कि आपको क्वेश्चन कुछ याद आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना जो हर साल रिपीट होते हैं, 3-4 साल लगातार रिपीट होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट नहीं चेंज होता है, सिलेबस सिर्फ चेंज होता है, यानी कि उसका कंसेप्ट आगे पीछे कर देते हैं, चैप्टर आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट से डाउनलोड करो गूगल से, और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए तब। अब देखते हैं टिप नंबर 7, क्लियर योर डाउट। देखो डाउट तो सभी को आते हैं पढ़ते टाइम, बीच में किसी टॉपिक को लेकर डाउट आ जाते हैं, तो उस बीच भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। एक वो जो डाउट आने पर तुरंत उसे क्लियर कर लेते हैं, और दूसरे वो जो डाउट आने पर उसे क्लियर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इसे बाद में क्लियर कर लेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, अपना डाउट क्लियर कर ही नहीं पाते हैं, उनका डाउट धीरे धीरे और बड़ा हो जाता है, और जब एग्ज़ाम में उसी डाउट में से कुछ क्वेश्चन आ जाता है तब उन्हें बहुत पछतावा होता है कि क्यों मैंने अपना डाउट सॉल्व नहीं किया था। तो इसलिए आप भी दूसरी कैटेगरी का आदमी मत बनिए, आप भी अपना डाउट तुरंत सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से करेंगे? देखो बहुत सारे माध्यम हैं, आप इंटरनेट से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, अपनी टीचर से पूछ सकते हो, या फिर अपने जो दोस्त होंगे उनसे भी पूछ सकते हो, कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। सिर्फ क्लियर कर लेना डाउट, डाउट को बढ़ने मत देना, उसी दिन उसी वक्त क्लियर करने की कोशिश करना। अब देखते हैं आखिरी और टिप नंबर 8, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पे भरोसा रखो। यू कैन डू इट, आप ये सोचो मैं कर सकता हूँ। आपने वो दोहा तो सुना ही होगा, करत करत अभ्यास के जन्मती हो तो सुजान, रसई अवत जात से सिल पर परत निशान। यानी कि आप मेहनत करोगे, डेली पढ़ाई करोगे तो ज़रूर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब 90+ करोगे, 80+ करोगे, वो कितना करोगे आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन डेली करोगे तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा मार्क्स जरूर स्कोर कर पाओगे, अच्छा मार्क्स जरूर लाओगे अगर आप डेली पढ़ते हो तो। तो बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा अच्छा सा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।